महाराष्ट्र के एक संत थे तुकाराम जी, उनकी पत्नी बहुत दुष्ट थी, बात बात पर उनको मारती थी। तो जानते वो क्या करते थे, मंदिर में जाके भगवान से शिकायत नहीं करते थे, समाज में शिकायत नहीं करते थे कि मेरी पत्नी बहुत मारती है मुझे, मेरी पत्नी बहुत दुष्ट है, बहुत लड़ने वाली है। नहीं, वो भगवान में मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान तेरी कितनी बड़ी कृपा है, तूने मुझे लड़ने वाली पत्नी दी है, अगर प्रेम करने वाली पत्नी तू मुझे देता तो मैं उससे प्रेम करता, तुझसे क्यों प्रेम करता। तो ये तेरी बड़ी कृपा है कि तूने लड़ने वाली पत्नी दे दी, तो मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं, किससे करता हूं। इसको कहते हैं भक्त। एक बार पत्नी ने कहा कि गन्ना लेकर के आओ खेत से, तो वो खेत में गए तो कई गन्ने लेकर के आए, गट्ठर बनाया, कंधे पर लेकर के आ रहे थे। अब बहुत अच्छे संत थे, साधु थे, तो जो भी मांगे देते चले गए। रास्ते पर कोई भी लड़का तो कह राम जी बाबा एक देना, देते चले। अब जाते जाते घर में केवल एक गन्ना बचा, देखते ही पत्नी का पारा सातवें आसान पे। पत्नी ने कहा और गन्ने क्या हुए, तो धीरे से तुकाराम ने कहा बांट दिए, केवल एक बचा है। पत्नी को इतना गुस्सा आया, उसने तुकाराम जी के हाथ से वो गन्ना छीना और उनकी पेट पे बड़ी जोर से मारा, गन्ने दो टुकड़े हो गए। अब आप लोग होते तो पत्नी से लड़ बैठते, लेकिन वो तुकाराम जी थे, उन्होंने हंसते हुए कहा पत्नी तुम देवी तुम कितनी समझदार हो, मैं सोच रहा था कि गन्ना एक और खाने वाले हम दो, तुमने कितना अच्छा काम किया, दो टुकड़े कर दिए। ये नहीं कहा कि तुमने हमें मारा, क्या कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया। आनंद लेने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, घटना वही है। चाहते तो आप बैठ के रो सकते हो कि मेरी पत्नी ने मुझे मार दिया, मेरी पत्नी ने मुझे मार दिया, मेरी पत्नी ने वही मुझे मार दिया, और चाहो तो हंस सकते हो देवी तुम कितनी समझदार हो, तुमने दो टुकड़े कर दिए। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। बुरे विचार न आने पाए, नकारात्मक विचार न आने पाए आपके जीवन में, इसका नाम भक्त है। सुदाम देव जी महाराज के पास कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, लेकिन जीवन में आनंद है, जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं।